बार की बात है, एक छोटे से गांव में रहने वाला एक लड़का था। उसका नाम था विक्रम। विक्रम का जन्म तारों भरी रात में हुआ था। विक्रम का सपना था कि वह एक जादूगर बनेगा, लेकिन गांव में कोई जादूगर नहीं था। उसके पिता उसे जादू की किताबें पढ़ाते थे। एक दिन विक्रम ने गांव के पुराने वृक्ष के नीचे एक पुस्तक मिली। वह पुस्तक अनोखी थी, जिसमें जादू की रहस्यमयी बातें थी। विक्रम ने उस पुस्तक को पढ़ा और उसमें दी गई अनुभूतियों को अपनाया। उसने वहां लिखे जादू के तरीकों को समझा। जब रात हुई, विक्रम ने वहां बाजार से लाई गई इस तरह से चीजों से जादू करने की कोशिश की। उसने चाहा कि वो अपने गांव को दिखा सके कि वो भी एक जादूगर बन सकता है। विक्रम ने अपनी मेहनत और उत्साह से कुछ अद्भुत कारनामे किए। लोग हैरान रह गए और विक्रम को जादूगर मानने लगे। पर जब विक्रम ने अपनी सफलता के बारे में घमंड में डूबकर जरा सी अभिमानी हो जाने लगे, उसके पास अपनी जिंदगी का सच भूल जाने का खतरा बढ़ गया। एक दिन उसने एक बड़ी चुनौती स्वीकार की। चुनौती थी कि वह एक जरूरी काम को केवल अपनी जरा सी जादू से ही कर सकता था। विक्रम को उस जरूरी काम को पूरा करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ी। उसने समय और संसार की सभी शक्तियों का सहारा लिया, पर क्या वे सफल हुआ? क्या उसे वो काम कर पाने में कामयाबी मिली? और क्या उसने अपनी अभिमानी आदतों को छोड़कर अपनी वास्तविक शक्ति को समझा? विक्रम ने उस चुनौती को पार किया, पर उसका अंत कैसा रहा? क्या उसने जादूगर बनने के सपने में अपनी सच्चाई को खो दिया? अंत में विक्रम ने सीखा कि जादू उस अद्भुत शक्ति से नहीं होता जो हमारे अंदर होती है। असली जादूगर वह होता है जो दूसरों की मदद करता है और उन्हें खुशी देता है। विक्रम ने अपनी गलतियों से सीखा और अपनी सच्ची शक्ति को पहचाना। उसने जादूगर बनने के सपने को सही मार्ग दिखाया और उस गांव में एक नए अद्भुत सफर की शुरुआत हुई, जिसमें जादूगरी नहीं बल्कि अच्छाई और सहायता की जरूरत थी, और विक्रम ने वह काम किया। यही था विक्रम की कहानी, जो सच्चे जादू की महत्ता को समझते हुए अपनी जिंदगी को नया मायना दिया। उसने जादू की जगह अपनी अच्छाई और नेकी से भरी जिंदगी चुनी। अब आपको बताना है, क्या आपको विक्रम की कहानी पसंद आई? क्या आपको लगता है कि हमें अपनी अद्भुत शक्तियों को सही रास्ते पर उपयोग करना चाहिए? कहानी का अंत सुनते समय हमें ये सोचना चाहिए कि हमारी शक्तियों को कैसे उपयोग करके हम दुनिया को बेहतर बना सकते हैं, और कैसे हमें गर्व से भरी, नेकी से भरी जिंदगी जीनी चाहिए। ये भी विक्रम की कहानी, जो हमें ये सिखाती है कि अद्भुतता का असली मतलब अपनी अच्छाई से है, और हमें हमारी शक्तियों को सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। कहानी के अंत में हम सभी को यही सोचना चाहिए कि हम कैसे अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, और कैसे हमें अपनी शक्तियों को उपयोग में लाकर दुनिया में एक पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।